हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीरो टू व्हील्स पर। आज हम बात करेंगे 2021 की टॉप कॉम्पिटिटर्स गाड़ियाँ, जो कि है क्रेटा और सेल्टॉस। 2021 क्रेटा वर्सेस 2021 सेल्टॉस। अपन सब बात करेंगे कि इसकी ARIA की तरफ से माइलेज कितनी दे रखी है, इंजन ऑप्शंस और क्या पावर मिलती है, आपको इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से अलग है, एक्सटीरियर में क्या देखने को मिलता है जो अलग है। अगर अपन शुरुआत करें तो इन दोनों गाड़ियों में मेजर कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस ये है कि आप किस प्राइस पॉइंट पर कौन सा मॉडल ले रहे हो और उस मॉडल के अंदर आपको कौन से फीचर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि दोनों गाड़ियों के जो टॉप ऑफ द लाइन के जो मॉडल्स हैं, जैसे क्या चाहे क्रेटा ले लो चाहे सेल्टॉस ले लो, उनमें सब में फीचर्स सेम हो जाते हैं लगभग से जब आप टॉप मॉडल लेते हो। पर जैसे आप अगर 13 लाख तक में लेना चाहते हो क्रेटा या सेल्टॉस में से कौन सी, तो फिर वो आपके ऊपर सब्जेक्टिव है कि आपको लुक्स के बेसिस पे लेनी है। फिर जैसे क्रेटा के अंदर 13 लाख में कुछ एक्स वाई जेड फीचर्स आते हैं, पर सेल्टॉस में वो फीचर्स देखने को आपको नहीं मिलते हैं, पर आपको क्रेटा वाले फीचर्स काम के हैं, तो फिर आप क्रेटा की तरफ जा सकते हैं अगर आपको सेल्टॉस का लुक अच्छा लगता है तो। वो नहीं तो अगर अपन सारे मेन फीचर्स जो टॉप मॉडल्स में देखने को मिलते हैं दोनों गाड़ियों के, उनको कंपेयर करें तो आपको दोनों में टॉप मॉडल में 1.5 लीटर का CRDI का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि एक डीजल इंजन है जो कि टॉप पावर 4000 RPM जनरेट करेगा, जो 113 BHP के आसपास है और 250 Nm का टॉर्क है। यही क्रेटा जनरेट करती है, सेम इंजन फिगर्स और सेम ही सेल्टॉस करती है। अगर अपन माइलेज की बात करें आपको, तो इसमें ज़रूर क्रेटा ज़्यादा माइलेज देती है। क्रेटा का जो ARIA की तरफ से क्लेम्ड माइलेज है वो 18.5-19 के आसपास का है। इतना क्रेटा आराम से सिटी प्लस हाईवे दोनों में दे देती है, जबकि सेल्टॉस का 17.8 है। दोनों गाड़ियों में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और अगर अपन रेंज की बात करें तो 19 की रेंज, 18.5 की रेंज के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 925 किलोमीटर रेंज मिलती है क्रेटा की, जबकि 890 मिलती है सेल्टॉस की। सेल्टॉस की 17.8 का एवरेज ARIA बताता है। अगर अपन स्टीयरिंग की बात करें तो क्रेटा में आपको केवल टिल्ट देखने को मिलता है, सेल्टॉस में आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोप देखने को मिल जाता है। या टेलीस्कोप मतलब कि वो अंदर बाहर भी होता है, टिल्ट मतलब ऊपर नीचे। आपको जो व्हील्स देखने को मिलते हैं दोनों में 17 इंच के देखने को मिलेंगे टॉप ऑफ द लाइन में। वहीं आप टॉप मॉडल से नीचे के मॉडल्स लोगे तो दोनों में 16 इंच देखने को मिलेंगे आपको। टॉप ऑफ द लाइन में आपको 4 डिस्क देखने को मिलेंगे, जबकि वहीं आप नीचे वाले मॉडल्स लेंगे तो 2 डिस्क आगे वाले टायर्स में और रियर में आपको ड्रम देखने को मिलेगा। ये सब गाड़ियों में बेसिक होता है, कॉस्ट कटिंग सब में की जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की आप बात करें तो आपको सारे मॉडल्स में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी, चाहे क्रेटा हो चाहे सेल्टॉस हो। और जो व्हील बेस है, व्हील बेस बोले तो दोनों टायर के बीच का गैप जितना है वो 2610 mm है, चाहे आप सेल्टॉस ले लीजिए आप क्रेटा ले लीजिए। बूट स्पेस की बात करें कि आपकी जो डिक्की है उसमें कितनी जगह है, तो 433 लीटर ही क्रेटा में, 433 ही आपको सेल्टॉस में देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस पॉइंट की इससे पहले अपन एक बार टच स्क्रीन और सिक्योर एयरबैग्स और कलर ऑप्शंस कितने मिलते हैं ये भी देख लेते हैं। जो आपको जो क्रेटा के अंदर जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है वो 10.25 इंच का है, वही एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों देखने को मिलता है। 8 स्पीकर बोस के आपको देखने को मिलते हैं क्रेटा में, सेम आपको सेल्टॉस में भी देखने को मिलता है। बस सेल्टॉस का थोड़ा लुक में इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो एक पूरा गाड़ी का ऑडोमीटर टैकोमीटर से वहाँ तक लेकर आपको पूरा एक ही वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टाइप से मिल जाता है, तो देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, जबकि अगर अपन स्क्रीन साइज़ की बात करें तो वही 10.25 इंच आपको देखने को मिलती है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले 8 स्पीकर विद JBL। सेल्टॉस में JBL दे देता है, क्रेटा के अंदर आपको दो मिल जाते हैं। एयरबैग्स की बात करें अपन तो 6 दोनों में देखने को मिलते हैं, वही 2 आगे पिलर्स में और रेयर्स में। कलर्स की बात करें क्रेटा में आपको 10 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जबकि सेल्टॉस में आपको 13 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है सेफ्टी की, रेटिंग NCAP रेटिंग आपको क्या देखने को मिलती है। इसमें क्रेटा आगे है सेल्टॉस से, क्रेटा में आपको 4-स्टार रेटिंग देखने को मिलती है, जबकि सेल्टॉस आपको 3-स्टार देखने को मिलती है। अब अगर अपन एक्स शोरूम प्राइसेस बेस मॉडल की बात करें तो क्योंकि दोनों गाड़ियों पेट्रोल डीजल में आपको देखने को मिलती हैं, तो जो आपकी क्रेटा है उसका जो पेट्रोल का बेस मॉडल है वो 9.99 लाख से शुरू होता है और टॉप मॉडल 17.53 लाख तक जाता है। ये एक्स शोरूम प्राइस है, आपकी सिटी में वेरी कर सकती है। वहीं अपन सेल्टॉस की बात करें तो 9.89 लाख से शुरू होती है सेल्टॉस और 17.45 लाख तक जाती है। तो हाँ, ये 10,000 रुपये इसका बेस और टॉप दोनों सेल्टॉस का सस्ता है क्रेटा से, पर 10,000 रुपये जब आप 10 लाख रुपये दे रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डीलर भी फ़र्क पड़ता है। आप अपनी कन्विंसिंग पावर से डीलर से कम भी करा सकते हैं। रही बात क्या कहते हैं इसकी गाड़ी की डायमेंशंस की, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेंथ ब्रेड हाइट आपको दोनों गाड़ियों में क्या देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी कंपेरिजन वीडियोज़ और कार के रिव्यूज़, ओनरशिप रिव्यूज़ और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की न्यूज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू।